Hello students, this is lecture number 10 on topic magnetic effect of electric current. In today's lecture, let us discuss the numericals related to Biot-Savart's law and applications of Biot-Savart's law. हम लोगों ने last 3 lecture में 3 application discuss किए थे. पहला application था magnetic field of induction at the center of circular coil. दूसरा था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट अ पॉइंट नियर द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग द करंट और तीसरा एप्लीकेशन था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर पाइप कैरिंग द करंट. ये देखो फॉर्मूला पहले वापस देख लेते हैं. दिस इज बायोट-सावर्ट्स लॉ. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बिकॉज ऑफ करंट एलिमेंट आईडीएल इज म्यू 0.4 बाय आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. Where r is what? Distance of point of observation from current element. Theta is what? Angle between the distance and current element. These are due to straight conductor carrying the electric current. Right? ये भी हम लोग देखो x to y अगर मैं finite ये formula हम लोगों ने derive किया है regular theory में. लेकिन ये नहीं करो, ये जो है ना second वाला इसका भी प्रूफ अवेलेबल है लेकिन इसका प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है तो मैंने खाली आपको फॉर्मूला ऐड करके रखा है. तो ये फॉर्मूला यूज करो. ये देखो अगर ये कंडक्टर का लेंथ फाइनाइट रहेगा एक्स से लेकर वाई तक ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो हियर एंगल है अल्फा वन एंड अल्फा टू. तो फॉर्मूला ये प्रिपेयर करो म्यू 0.4 पाई आई अपॉन आर कॉस अल्फा वन प्लस कॉस अल्फा. अगर एंगल यहाँ पे लेते हो थीटा वन एंड थीटा टू तो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगी क्योंकि अल्फा थीटा और 90 डिग्री ये तीन एंगल है ट्राइंगल के तो अल्फा और थीटा कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉस अल्फा वन की जगह साइन थीटा वन लो कॉस अल्फा टू की जगह साइन थीटा सेम फॉर्मूला क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है. ये जो एंगल्स है दीज आर द एंगल्स नियर द कंडक्टर दीज आर द एंगल्स नियर द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. हाँ अगर आप ये लाइन खुला करोगे एक्स और वाई के नीचे खुला करोगे यानी लेंथ टेंड्स टू इन्फिनिटी. जब ये लेंथ टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये जो अल्फा है दिस अल्फा टेंड्स टू जीरो हो जाएगा तो ये कॉस जीरो वन ये कॉस जीरो वन वन प्लस वन टू तो फॉर्मूला ये आ जाएगा. जब लेंथ टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो थीटा वन थीटा टू पाई बाय टू हो जाएंगे क्योंकि पॉइंट पी वेरी क्लोज टू एन आ जाएगा. तो ये साइन पाई बाय टू साइन पाई बाय टू वन प्लस वन वापस टू आ जाएगा. ये टू यहाँ पे आ गया ये टू यहाँ पे आ गया. तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लेंथ के लिए और ये फाइनाइट लेंथ के लिए कंडक्टर्स है. ये आर्क के लिए फॉर्मूला सेंटर पे ये फॉर्मूला प्रिपेयर करो. फॉर्मूला कौन सा है म्यू 0.4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा. ये थीटा का वैल्यू लेने का रेडियन में क्वार्टर मैंने ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन में पढ़ा है. अगर क्वार्टर सर्कल लेगा तो पाई बाय टू सेमी सर्कल रहेगा तो पाई थ्री क्वार्टर रहेगा तो थ्री पाई बाय टू कंप्लीट सर्कल रहेगा तो टू पाई लेने का. ऐसे सब एप्लीकेशन आगे भी मैं वापस नहीं पढ़ रहा देखिए पीडीएफ में आ जाएगा. ओके और ये सर्कुलर कॉइल के लिए यहाँ सर्कुलर कॉइल का रेडियस है आर सर्कुलर कॉइल का एक्सिस है जेड एक्सिस जेड पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जेड डिस्टेंस पे है और सर्कमफेरेंस ऑफ पॉइंट कितना दूर है स्मॉल आर है. तो ये फॉर्मूला है अलग अलग फॉर्मेट में मैंने लिखा है म्यू 0.2 आई आर स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज टू 3/2. यहाँ मैंने अगर ऊपर 2 पाई और नीचे 2 पाई से मल्टीप्लाई किया 2 पाई और 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये म्यू 0.4 पाई हो गया. ये 2 आई बचेगा और पाई आर स्क्वायर गिव्स यू द एरिया ऑफ दैट सर्कुलर पाई ये आ गया. तो हो सके तो आप ये फॉर्मूला प्रिपेयर करो ये या तो एन टर्म्स वाला सेम ही है. ये दो फॉर्मूले ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि आदत से हो जाता है पढ़ने को म्यू 0.4 π 2 n i / z² + r² / 3/2 वेयर आर इज व्हाट रेडियस ऑफ सर्कुलर पाइप एंड जेड इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाइप एंड ऑन द एक्सिस. ये हो गया एरिया ऑफ द पाइप ये हो गया एन नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है. अभी एग्जाम्पल्स ये तीसरा एग्जाम्पल पेज नंबर 249 टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल ये तीसरा पेज नंबर 249 कैलकुलेट
the value of magnetic field at a distance of 2 cm from the long straight conductor. Very long bola, matlab infinitely long bola. What is magnetic field because of infinitely long conductor? Mu 0 upon 4 pi 2 I upon r. ये फॉर्मूला था इधर देख, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए क्लियर वर्ड रहेगा, इनफाइनाइटली लॉन्ग या वेरी वेरी लॉन्ग तभी ये यूज करना है. म्यू जीरो अपॉन फोर पाई टू आई अपॉन आर, ये फॉर्मूला हो गया. ये हो गया 10^-7 टू, 5 एम्पियर करंट है और पॉइंट कितना दूर है, 2 सेंटीमीटर दूर है. ये 2 सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट, दो दो कैंसल हो गया, ये 10^-5 हो गया और 5 एज इट इज, 5 × 10^-2 टेस्ला. ओके, दूसरा एग्जांपल, अ वेरी लॉन्ग मतलब वापस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ 5.2 एम्पीयर. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 3.1 सेंटीमीटर. एग्जैक्ट सिमिलर साइंस, एग्जैक्ट सिमिलर. म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, ये 10^-7 हो गया, 2, करंट हो गया 5.2 और डिस्टेंस कितना, 3.1 सेंटीमीटर है, मीटर में लेना. फिर बाद में प्रोडक्ट ले लो, ये हो जाएगा प्रोडक्ट डिवाइड बाय 3.1, तो 3.35 × 10^-5 आंसर. अगला न्यूमेरिकल नंबर 9 ऑन पेज नंबर 249. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर वायर इज 16 μT. एक स्ट्रेट कंडक्टर है, दैट स्ट्रेट कंडक्टर सेट द मैग्नेटिक फील्ड 16 μT एट 2.4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट. इन ऑर्डर टू सेट दिस मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट शुड बी द करंट थ्रू द पाइप, कितना होना चाहिए, वही फॉर्मूला. ओनली आई इज आस्क्ड टू कैलकुलेट बी कितना है, 16 μT. 16 × 10^-6 टेस्ला हो गया, ये 10^-7 हो गया, 2 आई एज इट इज सिंस इट इज एक्सपेक्टेड, और आर कितना है, डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट 2.4 सेंटीमीटर है, मीटर में करना. ये 2 × 1.2 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 1.2 हो जाएगा, 1.2 into 16 हो जाएगा 192. 10 पावर ये कितना है, ये है -6, ये हो गया -8, यहाँ मिला के -8 + 7 ये -1. अगला न्यूमेरिकल, ये पेज नंबर 249 पे है, न्यूमेरिकल नंबर 10 है. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग द करंट, वापस पढ़ता हूँ. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल जिसका रेडियस है 12.3 सेंटीमीटर, ये है 6.4 × 10^-6 टेस्ला. आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो B इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है. या कंप्लीट सर्कल है प्रेजेंट, तो थीटा का वैल्यू 2 पाई से रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है. राइट, तो मैं मैग्नेटिक मोमेंट मैनेज कर दो कैसे देखो, ये यहां तक समझे. अभी मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड साइड में एरिया इंट्रोड्यूस करता हूं, क्योंकि आई इंटू ए ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, एन टर्न्स रहेगा तो एन आई ए होता है. तो मैंने इधर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इधर भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया. अब ये पाई आर स्क्वायर को मैं एरिया से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो पाई आर स्क्वायर इंटू आई, ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो कैपिटल एम इंटू 2 अपॉन आर, ये आ गया बी आर स्क्वायर. तो एम का राइट हैंड साइड क्या हो गया, बी आर क्यूब और ये अपॉन चला जाएगा, तो ये बी है. आर क्यूब कितना रेडियस है, 12.3 × 10^-2 मीटर, ये स्क्वायर में आ गया. म्यू जीरो अपॉन 4π × 10^-7 आ गया, 2m अपॉन ये वापस r प्रेजेंट है. अभी m के लिए राइट हैंड साइड देखो, ये देखो ये 10^-4, ये 10^-6, ये हो गया -10, ये ऊपर आया -12,
-12 में 7 मिला लो, -5 बचेगा, और इधर 12.3 का क्यूब हो जाएगा और इनटू 6.3, ये 2 मैंने यहां से कट किया तो ये 3.2 हो गया, ये 3.2 और ये 12.3 का क्यूब, 10 पावर कितना था, -6 -4 -10 -12 -12 +7 5 प्रोडक्ट ले लो, ये लॉग टेबल से आप कर सकते हैं इस पार्ट को। अगला सम, ये 11 नंबर का सम है ऑन पेज नंबर 250। अ सर्कुलर लूप हैज रेडियस 9.7 सेंटीमीटर, इट कैरीज अ करंट ऑफ 2.3 एम्पीयर, obtain the magnitude of magnetic field at the center of loop and at a point 9.7 centimeter on the axis. तो सर्कुलर कॉइल का सेंटर पे और सर्कुलर कॉइल का पॉइंट ऑफ एक्सिस पे आपको बी फाइंड आउट करना है। पहला सेंटर के लिए ये फॉर्मूला है, बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन आई अपॉन आर इंटू थीटा। कंप्लीट सर्कल है तो थीटा कितना लेंगे, 2 पाई, ये मैंने 2 पाई लिया रेडियन, ये म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 10 पावर -7, ये आई 2.3 राइट, ये 2, ये पाई और नीचे आर, डिस्टेंस कितना है 9.7 सेंटीमीटर है, 9.7 इंटू 10^-3, ये सॉल्व कर लो जो आएगा आंसर 1.489 10^-5। अभी आपको बी फाइंड आउट करना है सेम सर्कुलर कॉइल का पॉइंट ऑफ एक्सिस पे, तो फॉर्मूला क्या है, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई, एक्चुअली फॉर्मूला 2NIA लेना चाहिए, लेकिन एन कितना यहाँ पे, एन कितना यहाँ पे 1 है, 1 मिनट मैं चेंज करके देता हूँ। ये एन ठीक है, ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, यहाँ पे भी n है लेकिन n कितना हो गया, अभी 1 हो गया। n का वैल्यू कितना यहाँ पे 1 हो गया, फिर सब्स्टिट्यूट करो, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई 10^-7 2, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 1 ही है, सिंगल सर्कुलर कॉइल है, करंट कितना है 2.3 पाई 3.14 और r स्क्वायर, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल कितना है 9.7, लेकिन मैंने इसको रहने दिया क्योंकि कुछ सिंप्लीफिकेशन आ गया आसानी से, अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस्ट टू 3/2। लेकिन उन्होंने बोला है जो पॉइंट है डायग्राम में आपको, ये जो पॉइंट पी है ना, ये सेंटर से 9.7 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही है, मतलब ये भी 9.7 है और ये भी 9.7 है, यानी जेड और आर न्यूमेरिकली सेम है। तो मैंने यहाँ देखो Z को रिप्लेस कर दिया R से, तो R square plus R square is to 3/2 हो गया, तो ये 2R square is to 3/2 हो गया, तो 2 का क्यूब हो गया 8 और 8 का स्क्वायर रूट हो गया 2.8 और ये R बचेगा, खाली R क्यूब बचेगा और ऊपर R स्क्वायर है, नीचे का R बचेगा बस, ये 10^-7 ये हो गया, दो तीनों का प्रोडक्ट 2.3 और 3.14 14.44, ये 8 का क्यूब रूट 2.828, आर कितना 9.7 सेंटीमीटर में मीटर में करवाते हैं, ये सॉल्व करो, ये जो आंसर आएगा ये आएगा 5.154 10^-6। अगला न्यूमेरिकल, ये है न्यूमेरिकल ऑन पेज नंबर 250, न्यूमेरिकल नंबर 12। अ सर्कुलर कॉइल इज मेड अप ऑफ 100 टर्न्स, each turn has radius 5 cm, current passing through each turn is 0.4 ampere, find the magnetic field at the center, ekdam simple numerical, ye formula hai b ka, at the center of circular coil and having n number of turns, mu 0 upon 4 pi n I upon r, single turn rahega to hum log n nahi likhte, n1 le lenge into theta, करंट कैरिंग कंडक्टर कंप्लीट सर्कल है तो थीटा करस्पॉन्ड्स टू 2 पाई रेडियन, एक सर्कल है, एन टर्न्स उन्होंने दिए इसलिए मैंने एन भी ले लिया, सब्स्टिट्यूट करो, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई कितना हो गया 10^-7,
एन हो गया 100, आई हो गया 0.4, 2, पाई का वैल्यू 3.14, अपॉन रेडियस है 8 × 10⁻²। सॉल्व करो ये आएगा, ये देखो ये 4 × 2 = 8 है और ये 8 है, एटलीस्ट मल्टीप्लायर तो 3.14 ही बचने वाला है, बाकी 10 पावर देखें। अगला न्यूमेरिकल, अभी ये पेज नंबर 239 पे है, 10.4। ये सम बुक में भी सॉल्व है, खाली मैंने डिस्कशन पर्पस यहाँ पे लिया है। सर्कुलर कॉइल है, 500 टर्न्स है, एरिया ऑफ ईच टर्न है 1.26 × −4 मीटर स्क्वायर, करंट पासिंग थ्रू द कॉइल है 100 माइक्रो एम्पियर। आपको उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है, बहुत सिंपल सम है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल कितना होता है, एन आई ए होता है, इट इज एन आई ए, एन 500 है, आई कितना है 100 माइक्रो एम्पियर, तो 100 × 10⁻⁶, और एरिया रेडीमेड किया उन्होंने, ये सब सुपर और सॉल्व करो, ठीक है। अगला सम, ये भी बुक का सॉल्व सम है, पेज नंबर 242 पे सॉल्व है, 10.2 इसका नंबर। एक डायग्राम है, इसमें देखो एक कंडक्टिंग वायर है, पहला उसको स्ट्रेट रखा है, फिर सेमी सर्कल में ड्रॉ किया है, फिर वापस स्ट्रेट रखा है। तो बिकॉज ऑफ एंटायर कंडक्टर ऑफ सच से मैग्नेटिक फील्ड इज एक्सपेक्टेड एट पॉइंट ओ, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अभी देखो हम लोग इस कंडक्टर को तीन सेगमेंट में डिवाइड करेंगे, ये स्ट्रेट है, ये सेमी सर्कल है और ये स्ट्रेट है। अगर ये स्ट्रेट है तो पॉइंट ओ उसका सेंटर पे आने वाला है, मतलब एक्सिस पे आने वाला है। अगर इसका एक्सिस पे आएगा तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेट पार्ट एट पॉइंट ओ मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। ये भी स्ट्रेट पार्ट है, इस स्ट्रेट पार्ट का भी एक्सिस पे पॉइंट ओ प्रेजेंट है, तो इसके लिए एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री आल्सो जीरो। तो सेगमेंट वन एंड सेगमेंट थ्री बिकॉज ऑफ देम मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ इज व्हाट, जीरो। अभी ये सेमी सर्कल है, क्लॉकवाइज करंट कैरी कर, अगर ये करंट क्लॉकवाइज कैरी कर रहा है तो एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू जीरो अपॉन 4π एन आई अपॉन आर इंटू थीटा। कितने टर्न्स हैं, एक, तो एन वन ले लो। सेमी सर्कल है तो थीटा कितना लेंगे, पाई, थीटा कितना लेंगे, पाई। तो ये सॉल्व हो गया। अभी अगर करंट क्लॉकवाइज है, यहाँ पे पहला टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर दिया, वन की वजह से जीरो, टू की वजह से ये आ गया, थीटा को पाई और एन को वन सब्स्टिट्यूट करके, और थर्ड की वजह से भी जीरो, तीनों ऐड कर लो पहले, ये मैंने तीनों ऐड कर लिया, पहला जीरो, ये दूसरा, ये तीसरा, एन वन है, थीटा पाई रे, ये कट कर लो, म्यू जीरो आई अपॉन 4r हो गया टोटल। अभी करंट कैसे फ्लो रहा है, क्लॉकवाइज, तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है, लेट फोर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फॉलो द सर्कमफेरेंस, फोर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड फॉलो द फोर फिंगर सर्कमफेरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मतलब फोर फिंगर्स को सर्कमफेरेंस पे रखो, फोर फिंगर्स का पॉइंटिंग और डायरेक्शन ऑफ करंट एक ही होना चाहिए। तो जो थंब स्ट्रेच रहेगा वो स्ट्रेच थंब रहेगा परपेंडिकुलर टू द पेपर बट इनसाइड द पेपर, तो पॉइंट ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगा, नॉर्मली इनवर्ड रहेगा, नॉर्मली इनवर्ड रहेगा। बुक में गलत दिया है, देख लो, ठीक है। अगला सम, यह है 10.6 नंबर का सम, सॉल्व सम है बुक का, पेज नंबर 245 है, ठीक है। उन्होंने कॉइल दिया है 1000 टर्न्स वाला, उसका रेडियस है 1 मीटर, 10 एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू इट, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। एकदम लॉलीपॉप एग्जांपल है, म्यू जीरो अपॉन 4π एन आई अपॉन आर इंटू थीटा। कितने टर्न्स है, 1000, कंप्लीट सर्कल्स है तो थीटा कितना आएगा इस सर्कल के लिए, 2π, सब शुरू कर लो, 10⁻⁷,
ये 1000, करंट कितना है 10, ये 2, ये पाई, रेडियस कितना हुआ ये साल का, ठीक है, ये 3.14 इंटू 2 6.28 आएगा, 10 पावर मैनेज कर। ये और एक एग्जांपल है, पेज नंबर 250 पे है और ये अनसॉल्व सम 18 नंबर सॉल्व। इसमें देखो क्या है, ये सेमी सर्कुलर कॉइल है, तीन क्वार्टर सर्कमफेरेंस है और जो चौथा क्वार्टर है वो क्वार्टर का आर्क ड्रॉप करके कॉर्ड दिया उन्होंने, मतलब ये क्वार्टर सर्कमफेरेंस, क्वार्टर सर्कमफेरेंस, क्वार्टर सर्कमफेरेंस। पॉइंट पी इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ सर्क्यूलर लूप हैविंग थ्री क्वार्टर सर्कमफेरेंस, वहां पे पॉइंट पी प्रेजेंट है। ये कॉर्ड है, इसका करस्पॉन्डिंग आर्क रहेगा क्वार्टर सर्कमफेरेंस और ये डायमीटर। तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो तीन क्वार्टर्स की वजह से रहेगा, डायमीटर की वजह से रहेगा और कॉर्ड की वजह से। तो एट पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ थ्री क्वार्टर्स, बिकॉज ऑफ कॉर्ड एंड बिकॉज ऑफ डायमीटर, ये तीन का वेक्टर समझे। पहले हम लोग तीनों का डायरेक्शन देख लेते हैं। अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो बिकॉज ऑफ दिस लूप क्लॉकवाइज करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज नॉर्मली इनवर्ड। जैसे मैंने अब भी बोला आपको, राइट हैंड के फोर फिंगर सर्कमफेरेंस को फॉलो करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब स्ट्रेच हो जाएगा इस कॉइल या इस पेपर को परपेंडिकुलर बट इनसाइड, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड रहेगा नॉर्मली इनवर्ड। पॉइंट पी इस डायमीटर का एक्सिस पे ही प्रेजेंट है, तो इस करंट की वजह से पॉइंट पी पे ना डायरेक्शन रहेगा ना मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। अभी ये कॉर्ड ले लो, कॉर्ड में करंट कैसे फ्लो हो रहा है लेफ्ट वर, तो होल्ड दिस कॉर्ड इनटू द राइट हैंड सो दैट फोर फिंगर्स आर टर्न अराउंड इट एंड थंब गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये पॉइंट पी उस कर्ड फिंगर्स का राइट में है, तो बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज अगेन नॉर्मली इनवर्ड। तो इसकी वजह से नॉर्मली इनवर्ड, इसकी वजह से नथिंग, इसकी वजह से नॉर्मली इनवर्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज नॉर्मली इनवर्ड। अभी मैग्नेट्यूड फाइंड आउट करते हैं। ये देखो ये तीन क्वार्टर वाला सर्कल, तो उसकी वजह से क्या रहेगा, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सर्कुलर कॉइल का, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई एन आई अपॉन आर थीटा, टर्न्स तो एक ही है तो एन वन ले लो, तीन क्वार्टर है तो एक क्वार्टर का अगर पाई बाई टू लेंगे तो अकॉर्डिंगली ये थ्री पाई बाई टू मुझे लेना चाहिए एंगल का, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ थ्री क्वार्टर सर्कमफेरेंस, ये वैल्यू आ गई। पॉइंट पी इसके एक्सिस पे है तो डायमीटर का करंट विल नॉट गिव एनी पी वैल्यू एट पॉइंट पी, वो आ गया। अभी ये इसकी वजह से, ये देखो ये कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं है, इट इज नॉट इनफाइनाइटली लॉन्ग, तो यहाँ का एंगल कितना है 45 डिग्री, यहाँ का एंगल कितना है 45 डिग्री, तो कॉस 45 लो, कॉस 45 लो, या तो यहाँ साइन 45 लो, यहाँ साइन 45 लो, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें अभी यूज करना है, म्यू जीरो अपॉन फोर पाई आई अपॉन एक्स साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा। तो ये अगर 90 डिग्री एंगल है तो ये क्वार्टर सर्कमफेरेंस ड्रॉप किया गया ना, तो ये एंगल 90 डिग्री इक्वली डिवाइड होने वाला है, ये 45 ये 45, तो साइन थीटा वन साइन 45, साइन थीटा टू साइन 45, ठीक है। अभी ये बचा ये डिस्टेंस, अगर ये आर है, ये आर है, तो ये रूट टू आर आ जाएगा, ये आएगा रूट टू आर, अगर ये रूट टू आर है तो ये कितना आएगा आर बाय रूट टू, तो ये भी आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये भी आर बाय रूट टू ही आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली सब शूट करो, एक्स का वैल्यू कितना आया आर बाय रूट टू, उल्टा आर बाय रूट टू, साइन 45 साइन 45 आ गया, फिर ये सॉल्व करो, साइन 45 साइन 45 इज व्हाट, 1 बाय रूट टू, 1 बाय रूट टू, 2 टाइम्स 2 अपॉन रूट टू हो जाएगा, तो रूट टू कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय यानी 2 यहाँ पे बचेगा,
ये आ गया, अभी तीनों ऐड कर लो, 1 2 3, ये पहला वाला, दूसरा मैंने जीरो वाला डायमीटर वाला, और तीसरा, तीनों में म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉमन है, तो बाहर रखो, ब्रैकेट में आएगा 3/2π+2, दिस इज द आंसर। ये सब वापस देख लेने का, हाँ थोड़ा रिवर्स करके, सिंपल है ये ज्योमेट्री, आप कर सकते हो, सिंपल ज्योमेट्री। ओके, नेक्स्ट टाइम विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक विद द न्यू कंटेंट। थैंक यू।